मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। तो दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा, यहाँ पर गोविंदा जी दिखाई दे रहे हैं, चर्च में दुआ प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई और नहीं, खुद गोविंदा आहूजा ने ही ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल में शेयर किया है। हम देखते हैं कि आजकल YouTube, Facebook और Instagram और अन्य जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उस जगह में कोई कोई जो सितारे हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उन लोगों का झूठा वीडियो अपलोड कर देते हैं और कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गोविंदा आहूजा, जो बॉलीवुड फेमस एक्टर हैं, और वो अपने ही Instagram जो सोशल मीडिया है वहाँ पर ये वीडियो शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी पत्नी जो एक ईसाई है, और उन्होंने जब स्कूल में था तभी अपने दोस्तों से चर्च के विषय में जाना और यीशु मसीह को ग्रहण किया और ईसाई बना, और वो खुद चर्च जाती हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर गोविंदा जी को भी दुआ प्रार्थना करते हुए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा खुदा है जो कोई भी जाति या कोई भी भेदभाव या कोई भी ऐसे कार्य नहीं करता जिससे किसी को भी ठेस पहुँचता। हम देख सकते हैं कि जब संसार में यीशु मसीह जिंदा थे, वो अपना जीवन किस प्रकार जिया, और 3.5 साल की जो सेवकाई उन्होंने किया है उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सेवकाई करना है, अपने चेलों को सिखाया कि किस प्रकार प्रार्थना करना है। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ और जगत में सुसमाचार प्रचार करो, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन्हें ये प्रचार करो, ताकि उनका मन परिवर्तन होने पाए। कोई धर्म को बदलने के लिए नहीं, परंतु आत्मा को बदलने के लिए आए संसार में, ताकि कोई भी संसार में नष्ट ना हो लेकिन उद्धार पाए। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गोविंदा जी अपने इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम हैंडल में इस प्रकार उन्होंने शेयर किया और बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है गोविंदा जी जब चर्च में बैठकर जो वीडियो पोस्ट किया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि ये वीडियो बनाने का कोई भी मकसद नहीं है कि कोई भी जाति विशेष या धर्म या कोई भी संगठन को प्रोत्साहन देना, लेकिन आपके बीच में कुछ बातों को लेकर आता हूँ जिससे हम सब जागरूक होने पाए और जानने पाए। तो मसीह लोगों, आप सभी को जय मसीह की। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की।